हेलो एवरीवन, दिस इज मानवी एंड आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 10 ऑफ दी जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। पिछले वीडियो में हमने लूप्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। उससे पिछले वीडियोस में भी हम लूप्स, कंडीशनल्स इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, बट आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, कोई ऐसा जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कोई जावा प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स नहीं मैं आज समझाने वाली हूँ। इट्स अ जेनेरिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए। आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम डिटेल में देखने वाले हैं, हम बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं ये देखने वाले हैं, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ कोड भी लिखेंगे। सी, नंबर सिस्टम इज जस्ट अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। विद डिफरेंट बेस वैल्यूज। सी, जब हम बात करते हैं कि 10 आम खरीद लो, ठीक है, तो वी नो दैट 10 मीन्स यूनिट ऑफ 10 थिंग्स। व्हेन वी से 5 पेंस, वी नो 5 मीन्स 5 यूनिट ऑफ पेंस। सो जो नंबर सिस्टम हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा और भी नंबर सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 1 की, दैट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और हर नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ यूज केस है। फॉर एग्जाम्पल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको कलर कोड्स में मिल जाएगा। कलर कोड्स की रिप्रेजेंटेशन हेक्सा कोड्स में होती है। ऑल्सो मेमोरी एड्रेसेस कंप्यूटर में, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन हेक्सा कोड्स, राइट। नाउ सी वॉट इज डेसिमल नंबर सिस्टम इन अ लिटिल बिट डिटेल। सो एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। सो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर 0 to 9 डिजिट्स यूज होती हैं। अब देखिए, आप हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। देखिए 1 9 2 3 एक नंबर है, बट इसके अंदर जो सारी डिजिट्स हैं वो है तो 0 to 9 के बीच में ही ना। तो 0 to 9 डिजिट्स यूज होती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। बेस 10 का ये नंबर है। बेस 10 का क्या मतलब है अभी समझेंगे। देखिए, जैसे कोई भी डेसिमल नंबर ले लीजिए 3 4 5 1, तो 3 4 5 1 को आप 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बेस को ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 10 लिख दिया हमने, इसका मतलब ये है कि ये बेस 10 नंबर। और बेस 10 नंबर्स कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, 3 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻² प्लस 5 × 10⁻¹ एंड 1 × 10⁻⁰। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1 ओनली, राइट। सो दिस विल बिकम 3 4 5 1। सो एनी डेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर्स ऑफ 10, ठीक। वॉट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? सो बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम दैट यूजेस ओनली 0 and 1, ठीक है। सो द only digits that binary number system uses are 0 and 1. So if you write a number, let's say 1001, this number is not 1001. Decimal number system में ये 1001 होता, पर अगर हम binary number system की बात कर रहे हैं तो this number is 1001. So digits used are 0 and 1, and the base of binary numbers is 2. And how we represent base is by putting a subscript like this. And as I said, like similar to decimal numbers could be represented as powers of 2. Decimal number system, we were using powers of 10. In binary number system, we will be using powers of 2. So 1001 will look something like this. 1 × 2⁻³. This 1 is this. Plus 0 × 2⁻². Plus 0 × 2⁻¹ प्लस 1 × 2⁻⁰. सो ये जो 2 की पावर्स आ रही हैं, व्हाट आर दीज? सी, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी वी हैड दीज पावर्स ओनली, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट, आप इसको 0 1 2 3
ऐसे इंडेक्स कर सकते हैं एंड देन दीज आर द पावर्स. सो इस वाले 3 पे ये पावर आई, इस वाले 1 पे ये 0 पावर आई थी, 1 पे 2 की पावर 0 थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बाइनरी नंबर को एक डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. तो पहले हम बाइनरी नंबर लिखते हैं कोई, सो 1001, ठीक है, दिस इज इन बाइनरी. अब क्या करेंगे, अब ना इसकी एक इंडेक्सिंग शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट. राइट मोस्ट डिजिट को 0 इंडेक्स देंगे, 1, 2 एंड देन 3. ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 1001 है ना, इसको पूरे को ऐसे लिख लेते हैं, 1, 0, 0 एंड 1, ठीक. पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पावर्स ऑफ 2, राइट. सो यहां पे अब हमने क्या करना है, 2 की पावर्स लगानी है इन सारे नंबर्स पे. तो 2 की पावर्स लगनी है हमें ये पता है, पर 2 की क्या पावर लगनी है ये अभी हम देखेंगे. हर किसी में 2 की कोई ना कोई पावर मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है. तो हमने नंबर लिखा 1001 और हमने हर जगह 2 मल्टीप्लाई में लिख दिया. अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में लिखा है ना हमने, इसके कुछ ना कुछ पावर रेज होनी है, और ये जो पावर रेज होनी है ना, ये वो पावर रेज होनी है जो यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग में लिखी है. तो 0, 1, 2, 3 और इन सारे नंबर्स को अब हमने कर देना है ऐड, ठीक है. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बनकर आएगा 9. सो 9 इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर 1001. एक और एग्जांपल लेते हैं, 110 लेट्स से और 1101. ओके, सो क्या करना है, हर किसी की एक इंडेक्सिंग देनी है, ठीक है. इस इंडेक्सिंग का हमें क्या यूज आने वाला है, आगे हम 2 की पावर्स इसके अकॉर्डिंग रेज करने वाले हैं. सो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये पावर्स रहेंगी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब थोड़ा सा स्टेप वाइज सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं. हम पहली डिजिट उठाते हैं, यूनिट डिजिट उठाते हैं, ये उठाई हमने यूनिट डिजिट, इसको मल्टीप्लाई करा हमने जो भी रिस्पेक्टिव 2 की पावर थी, 2 to power 0 से. और ये जो 1 है ये क्या है, ये देखिए, 1 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1101, राइट. उसके बाद ये पहली डिजिट हमने प्रोसेस कर ली, यूनिट डिजिट. अब हम अगली डिजिट पे जाएंगे विच इज 0. तो 0 को रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की रिस्पेक्टिव पावर से. यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 1, ठीक. और ये जो 0 है ये क्या है, दिस इज यूनिट डिजिट ऑफ 110. 0 भी प्रोसेस हो गया. अब जाने वाले हम इस 1 पे, ठीक. ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से एंड अगेन 1 इज यूनिट डिजिट ऑफ 11. नाउ द लास्ट नंबर दैट वी हैव दैट इज ऑल्सो 1. इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से एंड दिस 1 इज नथिंग बट द यूनिट डिजिट ऑफ 1 itself, ठीक है. तो अगर आप ये कन्वर्जन है आपको, मैंने इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया क्योंकि हम कोड लिखने वाले हैं, और अगर आपको सिर्फ सिंपल कन्वर्जन करना है तो ये तो आप अपने दिमाग में भी बिना कुछ ऐसे लिखे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट. तो दिस नंबर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, 8 यहाँ से ऐड होगा, 4 यहाँ से ऐड होगा और 1 यहाँ से ऐड होगा, तो दिस इज 13. ओके, तो अगर हम एल्गोरिथम के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी नंबर है हम उसकी यूनिट डिजिट निकालते हैं, उसको हम 2 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की लोएस्ट पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 2 to the power 0 इक्विवेलेंट टू 1. अगले स्टेप में हमने जो भी अभी तक आंसर कैलकुलेट किया उसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं, और क्या ऐड करते हैं, नए नंबर की. और नया नंबर कहाँ से आया, पुराने वाले नंबर को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट हमें पहले केस में चाहिए थी 1101 की, पर अब हमें यूनिट डिजिट चाहिए 110 की. तो 1101 को 110 में कन्वर्ट करने के लिए हम इस बाइनरी नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है.
उसके बाद नई यूनिट डिजिट मिल जाएगी, उस नई यूनिट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है अगेन विद सम पावर ऑफ टू, और वो सम पावर ऑफ टू क्या होगी, जो पिछली पावर ऑफ टू थी उसमें एक पावर ज्यादा, यानी कि अगर आपने पिछली बार 2 से मल्टीप्लाई किया था तो इस बार आप 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 2 रेज टू द पावर 2। ओके, सो इसी तरह की हमारी एल्गोरिथम है। एक बार हम कोड में जाके देखते हैं कि हम इसको कैसे फॉर्मुलेट करने वाले हैं। तो हम बाइनरी नंबर इनपुट ले लेते हैं यूजर से। एक्चुअल में क्या है, जो आप इनपुट ले रहे हैं ना वो है डेसिमल नंबर, बट हम उसको एक बाइनरी नंबर की तरह ट्रीट करेंगे जस्ट टू सी इन ऑपरेशन की किस तरह से कन्वर्जन हो रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास वेरिएबल होगा आंसर, इनिशियली आंसर को जीरो रखते हैं, दिस आंसर इज द कन्वर्टेड डेसिमल नंबर। और क्या चाहिए हमें, हमें पावर्स ऑफ टू चाहिए। ठीक है, पहली बार में 2 to the power 0 होती है, उस पावर ऑफ 2 को हम बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक स्टेप में, राइट। पहले 2 to the power 0 होता है, उसके बाद 2 to the power 0 into 2 हो जाता है, तो रिजल्ट क्या बनता है, 2। अगले स्टेप में उसके अंदर एक और 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनिशियली कुछ तो हमें चाहिए ना वैल्यू, लेट्स रिप्रेजेंट दैट वैल्यू बाय PW। PW स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 क्यों, बिकॉज 2 raised to the power 0 is 1। ठीक है, एंड वॉट डज PW रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ 2। ठीक, नाउ वॉट वी हैव टू डू इज, जब तक हमारा जो बाइनरी नंबर हमने इनपुट लिया है जब तक वो 0 से बड़ा है, कहने का मतलब है जब तक उसमें कोई भी डिजिट बाकी रहती है तब तक हमें प्रोसेसिंग करनी है। तो वाइल n इज ग्रेटर देन 0, वाइल बाइनरी नंबर इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हमें हमें पहले निकालनी है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं सर, यूनिट डिजिट निकालेंगे हम बाइनरी नंबर को n से मॉड्यूल लेके। ठीक है, यूनिट डिजिट आ गई, अब हमें क्या करना है, जो ये यूनिट डिजिट हमारे पास थी उस यूनिट डिजिट को हम 2 की पावर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपने आंसर में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आंसर में ऐड कर दिया यूनिट डिजिट इनटू द 2's पावर। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें बाइनरी नंबर को 10 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें अगली यूनिट डिजिट चाहिए। और दूसरी चीज हमें ये करनी है कि जो हमारी 2 की पावर है उसे हमें इंक्रीज भी तो करना है ना, तो पावर को बाय 1 नंबर, बाय 1 पावर इंक्रीज कर देंगे। एंड हाउ विल वी डू दैट, बाय मल्टीप्लाइंग दैट एग्जिस्टिंग पावर बाय 2। ठीक है, देन वी विल प्रिंट द आंसर। तो इनपुट देते हैं 1001 विच इज 9, सो आउटपुट भी 9 आ गया। एक और इनपुट पे टेस्ट करते हैं, लेट्स से 1101 ओनली, 1101 वाज 13 विच वी ऑल्सो कैलकुलेटेड अर्लियर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर्स। द मेन थिंग हियर इज यू शुड अंडरस्टैंड कि ये कन्वर्जन्स कैसे हो रही हैं, एंड एसेंशियली यू शुड बी एबल टू डू दीज कन्वर्जन्स यू नो वेरी फास्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं हम 11011। ओके, सो जो हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग व्हाट आर दीज इंडेक्सेस रिप्रेजेंटिंग, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द पावर्स ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली पावर्स ऑफ 2 लिख लेते हैं। 2 to the power 0 is 1, 2, 4, 8, 16। तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर्स लिख ली। अब देखिए जहां जहां 0 से मल्टीप्लाई होगा वहां वहां तो कोई आंसर की जरूरत ही नहीं है, काम करते हैं यहाँ भी 0 कर देते हैं। ठीक है, जहां जहां 1 है बस वो नंबर्स हमको ऐड करने हैं, उनके कोरिस्पॉन्डिंग पावर्स ऐड करनी है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही रिजल्ट आता है ना। तो 8, 2 और 1 इनको सिर्फ ऐड करना है और 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दिस फास्ट, और विद सम एक्सपीरियंस इट विल बी वेरी इजी। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ कैन यू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर। सो लेट्स से यू आर गिवन, सो लेट्स टेक अ नंबर 9 एंड लेट्स सी कि हम इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो रिमेंबर जैसे हम बचपन में HCF निकालते थे, राइट? सो वैसा ही कुछ करना है।
पर एक टेक्निकल टर्म है, एक पर एक टर्म है पैरिटी, वो देख लेते हैं क्या होता है. पैरिटी इज नथिंग बट द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, तो n मॉडुलस 2 इज पैरिटी. तो हम इस नंबर की पैरिटी कैलकुलेट करेंगे अनटिल दिस नंबर इज नॉट यू नो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड. सो 2 से डिवाइड करना होगा, 2 4 टाइम्स इज 8 एंड द रिमाइंडर इज 1, राइट. सो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे या डैश लगा के 1 लिख दीजिए. ठीक है, एंड 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो जो पैरिटी आएगी वो 0 आएगी. एंड हाउ मेनी टाइम्स आर वी डिवाइडिंग? 2 टाइम्स. सो 2 टाइम्स इज 0, रिमाइंडर इज 0. एंड 2 1 टाइम्स 1 एंड द रिमाइंडर इज ऑल्सो 0. अब क्या करना है, हमने ये ऐसा फैक्टर जैसा कुछ कुछ लिख लिया है और साथ में सबकी पैरिटीज लिख ली हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे. ठीक है, ध्यान रखिए चीज़, हमें नीचे से शुरू करना है और ऊपर जाना है और सारे नंबर्स को एक साथ लिखते जाना है. तो पहला नंबर था 1, दूसरा 0, फिर दूसरा 0, फिर 1. ये एक्चुअली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सेम ही नंबर है. तो हम एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. सो लेट्स से 13 एग्जाम्पल लेते हैं. सो 2 6 टाइम्स 1, 3 0 1 एंड 1, राइट. सो अब हम नीचे से चल रहे हैं ऊपर की तरफ और 1 1 0 1. हमने देखा था कि 1 1 0 1 इन बाइनरी वॉज एक्चुअली 13. तो हमने 13 को हमने 13 डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लिया और बाइनरी से उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख लिया. तो बस इतना सा ही प्रोसेस होता है अगर हम मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं. पर अगर हम एल्गोरिथमिकली सोचें तो हमें क्या करना है, हमें नंबर की पैरिटी निकालनी है. ठीक है, अब ये जो पैरिटी है इसको हमें किससे मल्टीप्लाई, मतलब आपको पहले 1 आया, ठीक है, पर आपको अल्टीमेटली क्या आंसर निकालना है, 1 1 0 1 आंसर निकालना है आपको. ठीक है, तो ये जो 1 है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर करें और इस 0 को 10 से, इस 1 को 100 से और इस 1 को 1000 से. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन के आने वाला है हमारे पास, 1 × 1000 प्लस 1 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 1 × 1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1 1 0 1. ठीक है, तो हम ये हमारे पास एक मल्टीप्लायर है जो स्टार्ट 1 से हो रहा है और उसमें हर बार 10 मल्टीप्लाई हो जाता है. 1 था, फिर 10 हो गया, 10 का 100 हो गया, 100 का 1000 हो गया. और जो भी हमारी पैरिटीज कैलकुलेट हो रही है उसके अंदर हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर में ऐड करते रहे हैं. ठीक है, यही हमें करना है सिर्फ. और नंबर को ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करते रहना है जो मॉडुलस 2 है. पैरिटी को बेसिकली 10 की पावर्स में मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से हम अपनी एल्गोरिथम लिखने वाले हैं. ठीक, तो डेसिमल नंबर हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, एक आंसर हमें कैलकुलेट करना है जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं. दिस इज एक्चुअली द बाइनरी नंबर विच वी विल गेट एज द आंसर. और क्या चाहिए हमें, पावर चाहिए फिर से. दिस पावर दिस टाइम रिप्रेजेंट्स पावर्स ऑफ 10. ठीक है, जब हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे थे तो PW रिप्रेजेंटेड पावर्स ऑफ 2, बट नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग पावर्स ऑफ 10. हमें पैरिटी निकालनी है अपने नंबर की और तब तक निकालनी है जब तक वो नंबर एग्जिस्ट करता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता. हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे और जब तक वो ग्रेटर देन 0 रहेगा हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे. तो हमें पैरिटी निकालनी है, लेट्स कैलकुलेट पैरिटी. पैरिटी कैसे निकालते हैं, डेसिमल नंबर मॉडुलस 2, राइट. आंसर में क्या ऐड होना है, जो पैरिटी थी उसमें 10 की पावर मल्टीप्लाई करके आंसर में ऐड करनी है. तो पैरिटी इंटू PW और PW जो पावर है वो अब 1 से इंक्रीज हो जानी चाहिए ना, राइट. सो उसमें 10 और मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, वो हमने कर दिया. और n को हमें 2 से डिवाइड करना है, n इज डेसिमल नंबर. ठीक है, सो दिस शुड वर्क एंड वी प्रिंट आउट द आंसर. लेट्स सी, 13 को ही करके देखते हैं एंड विल सी 13. सो 1 1 0 1 इज द आंसर. लेट्स ट्राई सम अदर एग्जाम्पल्स. 15 ऑल वंस. ठीक, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर. सो वॉट इज द एल्गोरिथम,
यू फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर बाय डिवाइडिंग इट बाय टू एंड टेकिंग द रिमाइंडर बाय यूजिंग द मॉडुलो ऑपरेटर. देन यू ऐड द पैरिटी मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ 10 बाय द रिस्पेक्टिव पावर ऑफ 10 एंड ऐड इट इन द आंसर. एंड देन यू मल्टीप्लाई द पैरिटी बाय 10. बेसिकली 10 और मल्टीप्लाई करके हमने पावर बढ़ा दी है 10 की पावर्स में. एंड देन वी डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2. सो आई होप आपको दोनों कन्वर्जन्स समझ आ गए होंगे. थोड़े और एग्जाम्पल्स पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हैंड्स ऑन दिस टॉपिक. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो अंटिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप कोडिंग, एंड obviously life to enjoy karni hai. Okay, so thank you for watching this video. As a gentle reminder, aap pwskills.com website pe jaake lectures ke notes, assignments aur upcoming lectures ka schedule access kar sakte hain. And all of this is absolutely free of cost. And I will highly advise ki aap assignments zarur se solve karein. Lectures ke videos to dekhe hi, but it's more important, it's very important, equally important ki aap assignment bhi solve karein. आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे. और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म. एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम इन दी अपकमिंग लाइव डाउट रिजोल्यूशन सेशंस दैट वी विल कंडक्ट. सो थैंक यू अगेन एंड हैप्पी कोडिंग. बाय.